डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन हिंदी करंट अफेयर जीके क्वेश्चंस। आपका स्वागत है सुमित जैन चैनल में डेली करंट अफेयर में। डेट 21 एंड 22 अप्रैल 2020। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेलवे एसएससी यूपीएससी बैंक एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स। कल का सवाल, राष्ट्रीय लहसुन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 20, 18, 19 या फिर 21 अप्रैल को? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिका अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों में एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकर्ताओं को शामिल किया है? तो 6 को किया है। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो TVS ने किया है। किसान रथ ऐप निम्न से किसने किए हैं? नरेंद्र तोमर जी ने किया है। इंगजो 2020 एशियाई पैरा खेलों के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? फेई मतलब एक बर्ड है। विश्व आवाज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को निम्न में से किसके साथ राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी की शुरू की है? WHO के साथ की है। सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। राजा अकबर ने बंगाल क्षेत्र में बंगला कैलेंडर की शुरुआत किस वर्ष की थी? 1556 में की थी, जो आज भी उसका यूज़ किया जा रहा है। हाल ही में किसने एग्जिट फॉर्म लॉकडाउन रिपोर्ट जारी किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया है, CCI ने किया है। तब निम्न में से सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 20, 21, 22 या 23 अप्रैल को? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य इस दिवस का आयोजन प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है। इस साल COVID-19 में लॉकडाउन के कारण किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। इस दिन 1947 में ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल के पहले बैच ने प्रोबेशनर्स को वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था। हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? 4 टीम, 5 टीम, 6 टीम या फिर 7 टीमें? तो 6 टीम का किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का उल्लंघन की घटनाएं सामने आने के बाद भारत सरकार ने 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WHO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? नेपाल ने, चीन ने, जापान ने या रूस ने? तो इसका आंसर है चीन ने। चीन ने कि भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों की आलोचना की है। चीन ने सोमवार को कहा है कि वे विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों को बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 युद्ध कल्याण योजना के तहत 1,00,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरल। तो मध्य प्रदेश। इसका मेन उद्देश्य था कि इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे लाभ पहुंचेगा। हाल ही में IIT ने COVID-19 के लिए विकसित किया गया वर्ड बोट, इसको विकसित किया गया है। IIT मद्रास ने, IIT बॉम्बे ने, IIT रोपर ने या फिर IIT रुड़की ने? तो IIT रोपर ने। क्या विकसित किया है? वॉट बोट को विकसित किया है। यह एक प्रकार का रोबोट है जो COVID-19 से संक्रमित मरीजों को दवाइयां और भोजन परोसने के लिए विकसित किया गया है। मरीजों से संपर्क में आने के बाद इसमें खुद को सैनिटाइजर करने की क्षमता है। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका? तो बांग्लादेश में। फेसबुक ने बांग्लादेश में पोस्ट होने वाले डाटा को फिल्टर करने के लिए बूम नामक वेबसाइट के साथ थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक की बोट विकसित किया है? गूगल, TCS ने, फेसबुक ने, अमेजॉन ने? तो गूगल ने।
गूगल ने नेथिंग ट्रैकबुक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर में जोड़ जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया जाता है जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इसे कीबोर्ड को तैयार किया है। टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश के COVID-19 महामारी से निपटने की में मदद करने के लिए अवधारण है? WWF, SBI, WHO या फिर BCCI? तो BCCI है जो टीम मास्क फोर्स का संगठन किया है। BCCI ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली जैसे अधिकांश श्रद्धेय क्रिकेटर को सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश की COVID-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स शीर्षक से एक वीडियो बनाया है। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है अभी? बिहार, पंजाब, गोवा, दिल्ली। तो गोवा में, गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और अब यहाँ एक भी कोरोना मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं है। पहले से जो 7 लोग सक्रिय थे संक्रमित थे वे पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। लगातार लोगों का टेस्ट किया जा रहा है लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है। समय रहते ही गोवा ने यह जंग जीत ली है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने अपने यात्रियों को एयरलाइंस के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है? कनाडा, अमीरात, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर है अमीरात ने। अमीरात ने अपने यात्रियों को एयरलाइंस के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है। पहला परीक्षण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेक इन क्षेत्र में किया गया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य COVID-19 के निदान के बजाय कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाना था। प्रशिक्षण के परिणाम 10 मिनट में भीतर उपलब्ध थे। आज का सवाल, निम्न में से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल का निधन कब हुआ था? 20 अप्रैल 1938, 21 अप्रैल 1938, 22 अप्रैल 1938 या 23 अप्रैल 1938? तो इसका जवाब आपको मेरे वीडियो के अंत में ज़रूर देना है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।